वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया खाके, एकदम स्मूथ और सिल्की। अच्छे से वॉश करना, क्योंकि अभी आप देखोगे तो इसका पानी का रंग काला है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ये काला रहेगा पानी का रंग, तो इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इसको कम से कम 6 से 7 बार ही साफ पानी से रगड़ रगड़ के धोना है। तो अब हमें जो एक काम करना है वो ये है कि जितनी भी दाल है उसको हमें ऐसे दाल को अलग कर लेना है किसी भी परात में। मैंने ऑलमोस्ट सारी ही दाल को निकाल लिया है और इसको मैं थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख लेती हूँ, और तब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं। पर तड़का लगाने से पहले ने भी मैंने जो गरम मसाले के तौर पर लिया हुआ है उन सबको मैं पीस लूँगी। नमक, सूखा धनिया, हल्दी, नटमेग, सिनेमन, मेस, छोटी इलायची और कसूरी मेथी। तो ये मैं पूरा पैकेट इसमें मिला दूँ, क्योंकि इससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है, बजाय घर के टमाटर यूज करने के मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। जो दाल हमने अलग से निकाली हुई है मैं इसको धीरे धीरे करके पीसूंगी। इस दाल को आपको इसको ऐसे पीसना है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना देना है, ठीक है। और कुछ दाल को दरदरा पीसना है। तो अभी मैंने जैसे कि थोड़ा सा इसका पेस्ट बना दिया है, और इसको आप एज इट इज़ बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप डालोगे तो इसमें कांटे पड़ जाएंगी। तो इसीलिए मैंने एक तरफ गर्म पानी करने के लिए रख दिया, और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर अपने मसाले में ऐड करना है। तो अब ये मसाला अच्छे से पीस भून गया है, और ये देखो इसने ये घी भी छोड़ दिया है। तो अब मैं धीरे धीरे ये दाल जो मैंने पीसी है वो ऐड करना स्टार्ट करूँगी। और ये जो दाल मैंने जब कुकर से निकाली थी तो कुछ दाल मैंने इसके अंदर रहने दी थी, और कुछ पानी भी इसके अंदर है, तो वो भी हम इस मसाले में इस दाल में ऐड कर देंगे। और अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कम से कम 5 घंटे दाल कड़ेगी तो ये पानी अपने आप कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दाल जब हमने शुरू करी थी तब यहाँ पे थी, और कड़ कड़ के वो इतनी आ गई है। और एक बात और, जब भी हम दाल को हर 10 मिनट बाद हिलाते रहना है, और जो भी ये साइड की जो खुरचन होगी ना इसको लेकर के इस दाल में ऐड करते जाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये मैंने 3-4-5 छोटी इलायची, छोटा सा टुकड़ा जावित्री और जायफल का लेकर के अच्छे से इसको मिक्सी में एकदम बारीक करके इसको ऊपर से डाल दिया है, क्योंकि दाल मखनी में खुशबुएं ज़्यादा हो रहती हैं बजाय तीखापन के। और अमूल क्रीम डालने के बाद आपको इसको बॉयल नहीं करना, नहीं तो ये फट जाएगी फटाफटा से इसका लुक आएगा। तो थोड़ा सा अमूल क्रीम,
और लास्ट में एक और सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है, इसको धुआं देना। यहाँ पे कोल का छोटा सा एक टुकड़ा है, 3 से 4 इसके ऊपर लौंग,